आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। विधानसभा 3 में क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा 10 दिनों में 64 विकास कार्यों की भूमि पूजन एवं लोकार्पण का लक्ष्य रखा गया है। इसी के अंतर्गत विधानसभा के विभिन्न वार्डों में प्रतिदिन भूमि पूजन एवं लोकार्पण के कार्यक्रम हो रहे हैं। शनिवार को वार्ड क्रमांक 55 में मुराई मोहल्ला उषागंज छावनी गली नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा छोटी ग्वाल टोली एवं मधुमिलन चौराहा पर विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि 55 नंबर वार्ड में 40 लाख की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। छोटी ग्वाल टोली चौराहा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल को आकर्षक रूप दिया जाएगा। यहां पर लाइटिंग चेयर्स के साथ ही विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे आम जनता लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा स्थल पर आकर उनके आदर्शों को भी जाने। भाजपा नेता गंगाराम यादव ने बताया कि विधानसभा 3 में विकास कार्यों की गंगा बहाने के कारण विधायक आकाश विजयवर्गीय को विकास पुरुष की उपाधि से नवाजा गया है। यहां पर मालवी साफा पहनाकर विधायक का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से गंगाराम यादव, हरप्रीत सिंह बख्शी, विवेक तिवारी, अशोक पटेल, गुद्दू वर्मा, मनीष रायकवार, डॉक्टर दीदी अदिति सिंघल सहित बड़ी संख्या में वार्ड 55 के रहवासी एवं व्यापारी गण उपस्थित थे। जैसे मैं पहले महू विधानसभा देखता था, अब ग्रामीण क्षेत्र की जो विधानसभा रहती है उसमें क्या कई सारे विभाग लगते हैं। कोई काम हम PWD से करा देते थे, कोई WID से करा देते थे, कोई ग्रामीण विकास से करा देते थे, कोई PHE से कराते थे, कोई नगरी प्रशासन से कराते थे। ऐसे कई सारे 25-30 विभाग जिससे हम ग्रामीण क्षेत्र में काम कराते थे, करा सकते हैं। मगर नगर की विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से काम होता है, वो है इंदौर नगर पालिका निगम से। कोई भी काम हो वो नगर निगम से ही होता है। विधानसभा 3 वार्ड 55 में साथ आज श्री विधायक अकाल सब मिलकर एक बार भारतीय जन समर्पयान जन समर्पयान मुकेश तिलक रक्षा शुक्रवार गौरवंतम गौरवंतम गौरवयम गौरवयम तव गुम जीतम कपितम विष्णुतम अग्नि नानी सूर्य दर्शकम श्रेष्ठो देव समर्था वृद्धा गुम दिशा श्रोत्राधा लोकान अकल्पयम नानी विद्यम निवेदयामि नैवेद्यं ते नैवेद्यं तं प्रोक्षा। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना पूरा जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए लगाया है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रांगण बना हुआ है जिसमें उनकी मूर्ति लगी है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम हो, लाइट्स लगें, टेबल चेयर्स लगें, अच्छी पेवर्स लग जाएँ थोड़े बहुत, जहाँ जैसा भी यहाँ के स्थानीय लोग चाहेंगे। वैसे कुल मिला के ये प्रांगण थोड़ा सुंदर हो जाए ताकि आने वाली पीढ़ी आकर के कुछ समय यहाँ पर बिताए और सरदार पटेल जी के चरित्र से प्रेरणा ले, प्रेरणा लेकर के अपना और इस देश का भविष्य उज्जवल करें। नंबर वार्ड में कुल कितना करोड़ के विकास कार्यों का आप? आज 55 नंबर वार्ड में लगभग 40 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन है। इसके पहले एक काम हमने वार्ड 64 में किया और दो काम इसके बाद 56 नंबर में है। 55 नंबर में कुल 4 काम, कुल लागत लगभग 40 लाख। पर पिछड़ा वर्ग का पार्षद का चुनाव मैंने खुद ने लड़ा था। ये भारतीय जो टिकट का ये बात है, ये यहाँ पर सामान्य महिला का वार्ड हुआ है। ये यहाँ टिकट का वितरण माननीय विधायक जी, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कमेटी बैठती है वो तय करती है जिस कार्यकर्ता को मिलेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बाहुल वाला क्षेत्र है, यहाँ पार्षद भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। आपके अनुसार महिला पार्षद? बहुत सारे महिलाओं के नाम है, बहुत सारे लोगों के नाम है, किसी को भी मिले महिला कार्यकर्ता को भी यहाँ पर टिकट मिलेगा। जो जो भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता उसके लिए चुनाव जिताने के लिए प्रयत्न